Nice. होगी मैं दोबारा Hi guys, I'm audible now. Is it okay now? भारती रंजीत, आई एम ऑडिबल नाउ? ओके, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है सेना स्पेक्टेबलिस। ये एक प्लांट की स्पीसीज है। इवन हम ये कहें कि एक इन्वेजिव स्पीसीज है। इन्वेजिव का मतलब होता है कि जो बाहर से लाकर हमारे देश में लेकर आई जाए और वो वहां पर आकर जो ऑलरेडी स्पीसीज यहाँ रह रही है उनको खतरा पहुंचाए। इन्वेजिव का मतलब होता है आक्रमणिक, आक्रमण करना। केरला ने इसको डिसीजन लिया है कि जो केरला में ये स्पीशीज काफी मिलती है, यानी कि कहीं पे भी आप पार्किंग एरिया में देखो, कहीं मॉल वगैरह में देखो, मॉल के बाहर वाले एरिया में हर जगह आपको ये वाला जो पौधा है, जो पेड़ है, ट्री है, वो मिल जाएगा। काफी ज्यादा इसकी स्पीशीज जो है केरला में फैल रही है और अपना ये जो है बहुत छोटे टाइम में 15 से 20 मीटर की हाइट के हो जाते हैं। तो ये एक खतरा है नेटिव स्पीशीज के लिए। ये नेटिव स्पीशीज है अमेरिका की। नेटिव का मतलब है कि अमेरिका की रहने वाली है लेकिन हमारे यहाँ पर आक्रमण करने आई है। स्पेशली केरला के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये पाई जाती है। स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है। ये है वो पेड़, ये देखिए आप, ये जो पार्किंग एरिया है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर भी है और काफी जगह केरला में मिलती है। ड्यू टू द मास फ्लावरिंग एंड ड्राइंग ऑफ बैम्बू स्पीसीज इन वायनाड, लोट्स ऑफ ओपन स्पेस इन हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय द सेना स्पेक्टेबलिस। यानी कि काफी ज्यादा जो स्पेस है वो इस स्पीसीज के द्वारा ली गई है। प्रीति क्या कह रहे हो आप? द प्लांट हैज ऑल्सो स्टार्टेड टू इन्वेड द बांदीपुर जो रिजर्व है वहां पर भी मिल गई है, नागर होल में भी है, कर्नाटक में जो मुजुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, यहाँ पर भी अभी स्पीसीज मिलने लगी है। तो ये एक नेटिव स्पीसीज के लिए खतरा है। सो गाइज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारे रिजर्व और टाइगर वगैरह ये सब हम कवरअप बायोस्फीयर रिजर्व वाली क्लासेस में कर चुके हैं। सो आप उन क्लासेस को देखिए या फिर सेपरेटली इनको सर्च करके इनके बारे में जानिए। वायनाड के बारे में देख लेते हैं। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक हिस्सा है, उसी में ये आता है। अलोंग विद द मुजुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागर होल नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क। नहीं पीती, ये लोकल नहीं है, इन्वेजिव है। लोकल स्पीसीज को खतरा पहुंचाती है। नेटिव का मतलब होता है कि जो लोकल होती हैं और उनको ये खतरा पहुंचाती है। इट हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिकॉर्डेड पॉपुलेशन ऑफ एशिया, एशियाटिक एलिफेंट। एशियाटिक एलिफेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वर्ल्ड के? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कहाँ है ये? केरला में। दिस सेंचुरी इज ड्रेन बाय द काबिनी रिवर एंड इट्स थ्री ट्रिब्यूटरी। काबिनी की तीन ट्रिब्यूटरी हैं, पना, मराम, मनन थावेडे और कालिंदी। काबिनी रिवर का नाम याद रख लीजिए क्योंकि ये इसे ट्रेवर्स करती है या ड्रेन करती है वो इनफ होगा। काबिनी रिवर वन ऑफ द थ्री ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द केरला इज एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी रिवर की भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। सो ये टॉपिक क्लियर है आप सबका? नेक्स्ट है कुची निराबू आइलैंड। ये आइलैंड है जापान में। न्यूज में इसलिए था क्योंकि वहां पर रिसेंटली एक वॉलकैनो इरप्ट हुई है इसी आइलैंड में जो कि जापान में है। वहां पर अभी वॉलकैनो इरप्ट हुई है। दैट इरप्शन अकर्ड ऑन द माउंट शिंदके। ये जो आइलैंड है वो कहाँ पर है? माउंट शिंदके में ही है।
जापान की मीटरोलॉजिकल एजेंसी ने वहां के लोगों को अलर्ट कर दिया है कि ये जो वोल्केनो इरप्ट हुई है वो रॉक्स वोल्केनिक रॉक्स के लिए और पायरोक्लेस्टिक फ्लोज के लिए, मैग्मा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि आप वो वाला पर्टिकुलर एरिया छोड़ दीजिए। ओके वेलकम। अच्छा, द एंटायर आईलैंड लाइज विद इन द बॉर्डर ऑफ द किरीशिमा याकू नेशनल पार्क। सो देखिए, ये वोल्केनो यहाँ पर आई है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहीं पर एक नेशनल पार्क भी है, उसके चारों ओर ही एक नेशनल पार्क है, किरीशिमा याकू नेशनल पार्क। ओके एंड द आईलैंडर्स आर मेनली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग, एग्रीकल्चर और सीजनल टूरिज्म। वहाँ के आईलैंडर का मतलब इस आईलैंड में रहने वाले जो लोग हैं वो फिशिंग वगैरह पे, एग्रीकल्चर पे और सीजनल टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ड होते हैं, डिपेंडेंट है, और वहीं ये वोल्केनो इरप्ट हो गई है। तो ये देखिए, ह्यूमंस के लिए भी खतरा है जो आइलैंड पे रह रहे हैं, जो दूसरी स्पीसीज वहाँ रह रही हैं, कुछ एंडेंजर्ड भी होती है नेशनल पार्क में, कुछ डेंजर भी है, थ्रेटन्ड होती है, मतलब उन स्पीसीज के लिए भी ये वोल्केनो का इरप्शन होना एक डेंजर है। ओके दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़। द आइलैंड हैज़ एन एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो का मतलब होता है कि जो जल्दी जल्दी इरप्ट होती रहती है, उसका वो होता है एक्टिव वोल्केनो। पायरोक्लेस्टिक का मतलब है, ऑल्सो नोन एज पायरोक्लेस्टिक डेंसिटी करंट और ए क्लाउड, इज ए फास्ट मूविंग करंट ऑफ हॉट गैस एंड अ वोल्केनिक मैटर। जो अंदर से वोल्केनो के अंदर से जो लावा निकलता है वो एक बहुत स्पीड से निकलना, फास्ट मूविंग करंट से निकलना पायरोक्लेस्टिक फ्लो बोला जाता है, जिसको टेफ्रा भी बोलते हैं, दैट मूव अवे फ्रॉम अ वोल्केनो। ये है चाइना इस तरफ, और चाइना के इधर ही है जापान। जापान का इधर बिल्कुल सदर्न वाले हिस्से में है आपका ये वाला आइलैंड जो हमने किया, कुचिनो एराबू आइलैंड। ओके हेलो वैभव। सो ये आइलैंड और इसकी लोकेशन को याद रखना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन गाइस ऐसे नहीं पूछेंगे यूपीएससी की कौन सा आइलैंड है जिस बीच में अभी एक्टिव वॉल्केनो हुई है और वहीं पे ये वाला नेशनल पार्क है, क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल नहीं आएगा। ओके कैसे सवाल किया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर आइलैंड है, या नाम भी दे देंगे, कौन सा नेशनल पार्क वहाँ पर है, या वो कंसर्न में क्यों है, राइट रीजन पूछ लेंगे, उस आइलैंड के आसपास की लोकेशन क्या है। जैसे ये आइलैंड की लोकेशन ये है, आप मैप में जाके देखना इसके आसपास और कौन से आइलैंड है, कि क्या ये जापान में है या कौन सा ओशियन इसे कनेक्ट कर रहा है। ओके तो उसकी जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन होगी वो ज़्यादा पूछी जाएगी। सो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्च अबाउट दैट। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020। 2020 की एक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट आई है, वो क्या है। रिसेंटली रिलीज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 कैन बी शोन ऑन इलीगल ड्रग प्रोडक्शन सप्लाई एंड कंजम्पशन। जो इलीगल ड्रग कंजम्पशन वगैरह होती थी उस पर भी कोविड-19 का इम्पैक्ट दिखाई दिया है, कि जो ड्रग की जो ये रिपोर्ट है कुछ काफ़ी अच्छी दिखाई दी है, यानी कि अभी इलीगल प्रोडक्शन सप्लाई होना कम हो गया है। ओके इंडिया के लिए सब चीज़ों में क्या इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ मेजर हब ऑफ इलिसिट ड्रग ट्रेड रेंजिंग फ्रॉम ओल्ड एज कैनाबिस टू द न्यूअर ड्रग्स लाइक ट्रैमाडोल और मेथामफेटामाइन। ओके इंडिया भी एक मेजर हब में से एक माना जाता है, जो कि इलीगल ट्रेड करता है ड्रग्स की, कैनाबिस से लेके ट्रैमाडोल तक। इंडिया लाइज बिटवीन द टू मेजर इलिसिट ऑपियम प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। हमने बोला कि इंडिया जो है एक मेजर हब में से ही एक है, क्यों है वो, आप सबने गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में सुना है। वैभव, दीपक, प्रीति, रंजीत, गोल्डन क्रीसेंट क्या है और गोल्डन ट्रायंगल क्या है, डिड यू हियर अबाउट दैट। इस रिपोर्ट वाज रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC के द्वारा इस रिपोर्ट को जो है रिलीज करा गया है। वैभव क्या होता है वो, चलिए हम बात कर लेते हैं। एक होता है गोल्डन क्रीसेंट, एक होता है गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन क्रीसेंट है आपके
वेस्टर्न साइड में जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तीनों कंट्री मिलके बनाती हैं, इस तरफ है आपके ईस्टर्न साइड में गोल्डन ट्राइंगल, जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को, ये तीनों कंट्रीज मिलके गोल्डन ट्राइंगल बनाती है इस तरफ। ओके, ये जो दोनों साइड हैं इंडिया के, दोनों साइड ओपियम प्रोडक्शन करते हैं। मेजर इलिसिट ओपियम प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा ओपियम एक ड्रग होता है, ओपियम हो गया या हीरोइन हो गया, कैनाबिस हो गया, ट्रामाडोल हो गया, सारे ड्रग्स होते हैं। बिल्कुल, अफीम वगैरह ये जो भी आप बोल रहे हो। हाँ जी, ये जैसे हमारा इधर इंडिया हो गया, वेस्टर्न साइड में क्रीसेंट है और ईस्टर्न साइड में ट्राइंगल है, तो यहाँ भी काफी प्रोडक्शन होती है, ये भी मेजर प्रोडक्शन एरिया है, और बीच में हो गया इंडिया, तो यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ आना, दैट्स वाई इंडिया भी मेजर हब में गिना गया है। ओके, गोल्डन क्रीसेंट में आते हैं अफगानिस्तान, ईरान। आप मुझे ये बताइए, ईरान को कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री बनाती है, बॉर्डर कंट्री कौन सी है ईरान की? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान जो है क्रीसेंट बनाते हैं। इट इज अ प्रिंसिपल ग्लोबल साइट फॉर द ओपियम प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। ये देखिए मैप में हम देखते हैं, ये है इंडिया, उसके बाद इस तरफ जो ये क्रीसेंट लाइक शेप बनी है, दैट इज अ गोल्डन क्रीसेंट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका ईरान। याद रखने हैं कौन कौन सी कंट्री है, कभी कंफ्यूज हो जाएं आप। ट्राइंगल है इस तरफ, म्यांमार और थाईलैंड। ओके, ये तीनों कंट्री मिलके ईस्टर्न साइड में एक ट्राइंगल बनाते हैं। इट इज अ साउथ ईस्ट एशियाज मेन ओपियम प्रोडक्शन रीजन। इट इज वन ऑफ द नारकोटिक सप्लाई रूट टू द यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका। ये जो गोल्डन ट्राइंगल है, यहीं से नारकोटिक्स की भी सप्लाई होती है टूवर्ड्स द यूरोप एंड टूवर्ड्स द नॉर्थन अमेरिका। ओके, वेरी गुड वेब। ईरान की बता रहे हो प्रीति, और बताइए रंजीत। सो गाइस, बॉर्डर कंट्री याद करना इम्पोर्टेंट है। ईरान की बॉर्डर कंट्री बताइए पहले आप सब, फिर अफगानिस्तान की, देन पाकिस्तान की, सारी कंट्रीज बताना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, म्यांमार, लाओस, ये क्या बोल रहे हो आप, इस साइड थाईलैंड। हाँ ओके, सो इराक भी है, इराक और आर्मेनिया। रंजीत, आई डिड नॉट गेट योर रिप्लाई। देखो हम मैप में देख लेते हैं, ये है हमारा ईरान, तुर्क, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, टर्की, यस वेरी गुड, अजरबैजान और आर्मेनिया। ओके, इसके साथ सी भी बताइए, कोई सी है, कोई गल्फ है, कौन कौन सी इसके साथ कनेक्ट करती है ईरान के साथ, वो भी रिप्लाई करो। चलिए हम इधर कंट्री देखते हैं, इधर है ईरान, इसके इस साइड देखेंगे इराक आ जाएगा, इस साइड है तो पाकिस्तान है ही, अफगानिस्तान है इस साइड, अफगानिस्तान से ऊपर चलते हैं तो तुर्कमेनिस्तान आएगा, इधर है ये देखो अभी जो पिंक कलर देख रहे हैं, दैट इज अजरबैजान, इस साइड लिटिल बिट एरिया है लेकिन फिर भी हम मानेंगे इसको आर्मेनिया। ओके गाइस, कुवैत में कंफ्यूज मत हो जाना, कुवैत और ईरान में डिफरेंस है, बीच में इराक आ जाता है। ओके, तो कुवैत एक बार क्वेश्चन आया भी था, आई थिंक 16 में क्वेश्चन आया था ईरान की बाउंड्री कंट्रीज के बारे में, और कुवैत भी ऑप्शन में था, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कुवैत को ध्यान रखना कि कुवैत नहीं है। ओके, इस साइड जो आपका इधर है गोल्डन ट्राइंगल उसका देख लेते हैं, ये है थाईलैंड, म्यांमार से स्टार्ट होते हैं, म्यांमार से नीचे आप जाएंगे तो थाईलैंड आएगा, उसे ऊपर इस तरफ जाएंगे तो लाओस है, थोड़ी और ऊपर जाते हैं तो वियतनाम है। ओके, इसकी ट्रिक भी होती है, अभी मुझे याद नहीं है एक्चुअली वो ट्रिक क्या थी। हाँ, और इसके इस तरफ आएंगे, दैट इज कम्बोडिया, और म्यांमार की ही सीरीज में नीचे आप चलते जाओगे तो आपको मिलेगा मलेशिया।
ओके तो ये सारी कंट्रीज हैं, इनके नाम याद होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक ग्रुप सा बना हुआ है, तो ये चीजें पता होनी जरूरी है। कैस्पियन सी है, ओके वेलकम राम कुमार। चलिए पर्शियन गल्फ भी है ना इधर, तो ये देखिए ये है कैस्पियन सी, ये है पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ अमान। ओके ये वाली जो ग्रीन कलर आप देख रहे हो दैट इज अमान, और इसी की वजह से यहाँ पर क्या है गल्फ बनी हुई है, गल्फ ऑफ अमान रहेगा ना। पाकिस्तान की देख लेते हैं, इधर है ईरान, इधर अफगानिस्तान, इधर तजाकिस्तान, देन चाइना और इस साइड इंडिया, और नीचे की तरफ अरेबियन सी और गल्फ ऑफ अमान। ओके इधर गल्फ ऑफ सियाम है जो ट्रायंगल में है, ट्रायंगल में नोट डाउन करो, इधर तो अंडमान सी था और थाईलैंड के नीचे है गल्फ ऑफ सियाम एंड देन साउथ चाइना सी आ जाती है। ओके रिलीज करी गई थी UNODC के द्वारा, ये 1997 में बना था थ्रू अ मर्जर बिटवीन द यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम एंड द सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन, जिससे इसका नाम क्या पड़ गया यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम इन 2002। ओके ये जो है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को रिलीज करता है। किसकी बात कर रहे हो रंजीत? अरेबियन सी इधर है ना, पाकिस्तान के इधर नीचे इंडिया के पास है अरेबियन सी। चलिए टॉप 5 लार्जेस्ट रामसर साइट इंडिया में कौन कौन सी है हम उनको देख लेते हैं। ज्यादा फीचर ऑलरेडी गाइस हम क्लासेस में कर चुके हैं, स्पेशल क्लास थी तो इसलिए मुझे जरूरत नहीं लगी कि हम उसको ज्यादा इंक्लूड करें, लिटिल बिट ही है उनको चेकआउट कर लेंगे। सुंदरबन वेटलैंड है जो कि वेस्ट बंगाल में है, वेम्बनाद कोल वेटलैंड है दैट इज इन केरला, चिलिका लेक है दैट इज इन ओडिशा, कोलेरू लेक है वो आंध्र प्रदेश में है, भितरनिका मैंग्रोव्स हैं वो ओडिशा में है। ओके तो ये सारे टॉप 5 लार्जेस्ट जो रामसर साइट है इंडिया में है वो सारी हैं। ये सुंदरबन एक वेटलैंड है जो कि वेस्ट बंगाल में है, इसमें पूरे इंडिया के जितना भी फॉरेस्ट एरिया है, मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है, अकेला सुंदरबन में उसका 60% है। ओके सो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया कहाँ है? सुंदरबन में है, अकेला 60% है। इट इंक्लूड 90% ऑफ द मैंग्रोव स्पीसीज, 90% मैंग्रोव की स्पीसीज भी सुंदरबन में मिलती है। यहीं पर एक टाइगर रिजर्व है जो कि फेमस इसलिए है क्योंकि अकेला ही ऐसा मैंग्रोव है जिसने टाइगर्स को रहने के लिए जगह दी है, दैट सपोर्ट द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर एंड हैव यूनिक एक्वेटिक हंटिंग स्किल्स। ओके क्रिटिकली एंडेंजर्ड नॉर्दर्न रिवर टायापिन और एंडेंजर्ड इरावडी डॉल्फिन, वल्नरेबल फिशिंग कैट, ये सारी चीज़ें भी इन जो स्पीसीज हैं वो भी यहाँ पर मिल जाएंगी। वेम्बनाद कोल वेटलैंड जो केरला में है, ब्रैकिश वाटर लेक है ये, और फ्लड प्रोटेक्शन से लोगों को वहाँ पे प्रोटेक्ट करती है। कल हमने वेम्बनाद लेक के बारे में भी पढ़ा था, वेम्बनाद लेक क्यों फेमस है रिसेंटली न्यूज़ में भी थी, वाई इट वॉज सो, बताइए। वेम्बनाद लेक कल हमने रीड करी थी, उसकी एक इम्पोर्टेंस अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, वो क्या है? वेम्बनाद लेक इज अ लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, लॉन्गेस्ट है इंडिया में और लार्जेस्ट है केरला में, इस चीज को याद रखना, दैट इज लॉन्गेस्ट इन इंडिया एंड लार्जेस्ट इन द केरला। ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन में भी एड है, उस लिस्ट में भी इंक्लूड है इन द 2002। चिलिका लेक के बारे में करते हैं, दैट इज अ ब्रैकिश लेक सेपरेटेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये ब्रैकिश लेक है और सब्जेक्ट टू सी वाटर एक्सचेंज, यानी कि सी वाटर यहाँ पर मिलता है, काफ़ी सेलाइनिटी भी यहाँ पर है, सेलाइन एरिया होने की वजह से एक्वेटिक एल्गी भी यहाँ पर मिल जाते हैं। गल्फ ऑफ सियाम था गोल्डन ट्रायंगल में। द साइट इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर ब्रीडिंग, विंटरिंग एंड सेजिंग ऑफ फॉर 33 स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड। ये जो चिलिका लेक है वो काफ़ी माइग्रेटरी स्पीसीज को और जो दूसरी स्पीसीज होती है उनको जगह देती है।
गुड आफ्टरनून तपस्या। 1993 में चिलिका को मोर्टेक्स रिकॉर्ड में ऐड करा गया था, बट ड्यू टू द सिल्टेशन एंड सेडिमेंटेशन 2002 में इसको जो है रिमूव कर दिया गया। सेडिमेंटेशन का मतलब जैसे रिवर लेकर आती है, अकेली नहीं आती, बहुत सारी सेडिमेंट्स लेकर आती है, कंकड़ वगैरह, मिट्टी वगैरह, ये सब चीज़ें लेकर आती है, जिसकी वजह से चिलिका का जो माउथ है वो चौक हो गया था, बंद हो गया था। ओके इसीलिए इसको कंजर्व करना ज़रूरी हो गया था, दैट्स वाई इट वॉज एडिट इन द मोर्टियक्स रिकॉर्ड। बट जब डेवलपमेंट अथॉरिटी आई, चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने ऐसे स्टेप लिए कि उसके जो सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, इसीलिए 2002 में ये रिमूव हो गई। गुड आफ्टरनून निशांत, आज आप दोनों ही लेट हैं। कोलेरू लेक है नेचुरली यूट्रोफिक लेक होती है, यूट्रोफिक लेक है। यूट्रोफिक का मतलब होता है कि इस लेक में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाली जो स्पीसीज हैं वो मरती जा रही है। ओके उन ज़्यादा केमिकल पोल्यूशन इस वाली लेक में होता जा रहा है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द टू मेजर रिवर गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोलेरू लेक है, और यहाँ पर वल्नरेबल ग्रे पेलिकन मिलेंगे, काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पर आते हैं और रुकते भी हैं। डैमेज और लॉस ड्यू टू फ्लडिंग इन मॉनसून सीजन में काफ़ी डैमेज यहाँ देखने को मिलता है, और ये सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी ऑलरेडी हम इसको कवर अप कर चुके हैं। हाँ वेमना बताइए, आप ही लोग बताइए, कल हमने किया था तपस्या, वाई इट वॉज इन न्यूज। वेम्बनाद लेक काफी न्यूज में है, केरला की है ये, और कल ही क्लास में हमने इसको किया था। पहले आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, अदरवाइज मैं तो बता ही देती हूँ। बताओ कोई कॉम्पिटिशन वगैरह था क्या, कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ? रंजीत जिसकी वजह से ये न्यूज में थी, कोई हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट करा हो? गुड आफ्टरनून, गाइस केरला में ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट करा था, जहां पर वल्लम कली एक बोट रेस थी। बिल्कुल तपस्या, यस यू आर राइट, बोट रेस थी, वल्लम कली एक बोट रेस थी, और वो ओनम फेस्टिवल के दौरान ही वहां पर सेलिब्रेट करी जाती है, जिसका नाम है, जिसका नाम क्या था, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस थी ना रंजीत, कल वाली क्लास में इसको हमने किया था। पुली कली थी एक आर्ट थी, और वेमनाद सॉरी वेलम कली एक बोट रेस थी, स्नेक बोट रेस भी उसको बोलते हैं। चलिए अभी क्लियर है क्या? नेक्स्ट है इन कॉइस लॉन्चेस प्रोजेक्ट। इन कॉइस क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन ऑन द सर्विसेज। ओके ओशन के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। वेरी गुड प्रीति। इस बॉडी ने, इस इंस्टीट्यूशन ने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं, तीन प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं, अर्लियर इसने टू करे थे, एल्गल ब्लूम जो है वो रिसेंटली ऐड हुआ है। किसके अंदर ये आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री टू रिमेम्बर इट। ओके स्मॉल वेसल एडवाइजरी एंड फोरकास्ट सर्विस सिस्टम, एक तरीके की ये समझ लीजिए तीन डिवाइसेस हैं, ताकि ओशन में होने वाली जितनी भी चेंजेस होते रहते हैं उनसे एडवांस में ही हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए कि भाई अब ये होने वाला है या ये होने वाला है। ओके स्मॉल वेसल एडवाइजरी एंड फोरकास्ट सर्विस सिस्टम, स्वेल सर्च फोरकास्ट सिस्टम, और एल्गल ब्लूम इंफॉर्मेशन सर्विस। ये वाला क्या है? इट वॉन्ट्स यूजर्स अबाउट द पोटेंशियल जोन वेयर वेसल ओवर टर्निंग कैन टेक प्लेस इन इंडियन कोस्टल वाटर, जिसको बोट सेफ्टी इंडेक्स भी बोला जाता है। जो जैसे केरला है, केरला का जो आइलैंड होते हैं या जो कोस्टल एरिया होता है, वहाँ पे बोट वगैरह, शिप वगैरह खड़ी रहती है,
ओके, यह चलती रहती है। ये वाले इंडेक्स से हमें क्या पता चलेगा, इस वाले डिवाइस से हमें ऑलरेडी मतलब एडवांस में ही हमें क्या पता चल जाएगा कि अभी कुछ टाइम में कोई ना कोई यहाँ पर तूफान आने वाला है, कोई स्टॉर्म आने वाला है, ये इसका एक पोटेंशियल जोन है। तो आप यहाँ से अपनी बोट को हटा लीजिए, एक वार्निंग देता है एक तरीके का। ओके, जिससे क्या होगा कि बोट वगैरह लोगों की बच जाएंगी, इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ेगा, उन लोग जो वहाँ के लोग हैं उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जान भी बच जाएगी, तो काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस इससे हो जाएंगे। फिर है स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम। इनोवेटिव सिस्टम है डिजाइन फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ कला करडाल। कला करडाल मतलब स्वेल सर्ज ही देखते हैं पहले क्या होते हैं। दीज आर द सरफेस ग्रेविटी वेव्स। जो सरफेस होता है उसी पर ही वेव्स होती हैं। ओके, विंड वेव्स होती हैं जिसकी वजह से तो साइक्लोन वगैरह आता है। साइक्लोन जैसे वाटर है, वाटर के ऊपर विंड घूमती है और उसी की विंड की वजह से होती है, स्पीड उसकी हाई होती है तो साइक्लोन आते हैं। लेकिन स्वेल सर्ज का मतलब क्या होता है कि जब सरफेस पर ही ग्रेविटी पर सरफेस पर ही वेव्स होती हैं और वो सदर्न इंडियन ओशन से आती हैं हमारी इंडिया की तरफ, तो वो एक खतरा बनती है। ओके, वहाँ के केरला के लोग जो लोकल लोग हैं वो इसको कला कडाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कला कडाल बोलते हैं। सो ये क्लियर हो रहा है कि कला कडाल क्या है, स्मॉल वेसल एडवाइजरी बोर्ड ये क्या है। द स्वेल वेव्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सदर्न इंडियन ओशियन, फ्रीक्वेंटली कोज डैमेज टू द कोस्टल रीजन। जो कोस्टल रीजन होता है उसको ये डैमेज कर देते हैं ड्यू टू द फ्लैश फ्लड और बोट वगैरह को, फिशरमैन के नेट वगैरह को, इनको जो है वो खतरा मतलब डैमेज कर देते हैं। इसीलिए इन कॉइस ने एक डिवाइस लॉन्च करे हैं ताकि ऑलरेडी हमें पता चल जाए कि इस टाइम पे कोई स्वेल सर्ज आने वाला है कोस्ट पे। ओके जी, तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट है एल्गल ब्लूम इंफॉर्मेशन सर्विस। एल्गी होती है ये, ग्रीन ग्राउंड नहीं है ये, नीचे वाटर है और वाटर के ऊपर जिसको काई बोलते हैं ना लोकल एरिया में, इसको काई बोलते हैं, काई जैसा ही होती है जो कि पूरे वाटर को इसने कवर अप कर लिया है। दैट इज डेंजर फॉर द स्पीसीज, एक्वेटिक स्पीसीज एंड कॉरल्स ऑल्सो। वहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं, फिशरमैन हो गए या दूसरे जो लोग रहते हैं, उन सब के लिए खतरा होती है ये। क्योंकि आप देखिए जैसे हमने मॉरिशियस ऑयल स्पिल वाली न्यूज़ में करा था कि सारे में ऑयल स्प्रेड हो गया था, फिर उससे क्या हुआ कि सनलाइट नीचे नहीं जा पा रही थी, नीचे नहीं गई तो कोरल ब्लीचिंग हो रही थी। समझ रहे हो ना आप सब? सिमिलरली एल्गल ब्लूम में भी होता है कि ये पूरे सरफेस को कवर कर लेती है जिसकी वजह से फिशेज ऊपर नहीं आ पाती, उनको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं, नीचे जो कॉरल्स होते हैं वो ब्लीच हो जाते हैं। ओके, दूसरी एक्वेटिक स्पीसीज को प्रॉब्लम होती है, यहाँ रहने वाले जो लोग होंगे उनको प्रॉब्लम, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम का प्रॉब्लम एल्गल से एल्गी से होती है। ओके, इसके लिए भी डिवाइस लॉन्च किया गया, ये रिसेंटली एडिड है, एल्गल ब्लूम इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसमें ये बता दिया जाएगा कि भाई अभी एल्गल आने वाली है या एल्गल इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा इसको कवर अप कर लेंगी बिल्कुल। ओके, कोस्टल दैट आर डेट्रीमेंटल टू द कोस्टल फिशरीज, वाटर क्वालिटी को बिल्कुल बैड कर देती हैं, दैट टेंड टू इंड्यूस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं एल्गल ब्लूम इस ये जो डिवाइस है इसे सॉर्ट आउट हो पाएगा। ओके, यस सबस्या राइट। एल्गल ब्लूम के मेन हॉटस्पॉट कहाँ हैं? एक तो है नॉर्थ ईस्टर्न अरेबियन सी, अरेबियन सी में नॉर्दर्न ईस्टर्न वाले लोकेशन, कोस्टल वाटर ऑफ केरला, गल्फ ऑफ मन्नार और कोस्टल वाटर ऑफ गोपालपुर। ये भी आई थिंक आपके वेस्टर्न साइड में ही है, नहीं ईस्टर्न साइड में। इनकोइस और एबिस यानी कि एल्गल ब्लूम इंफॉर्मेशन सर्विस, दे बोथ प्रोवाइड रियल इंफॉर्मेशन ऑन स्पैटियो टेम्पोरल अकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ फाइटोप्लैंकटन ब्लूम्स ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन। यानी कि ये दोनों मिलके ये सर्विसेज प्रोवाइड, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे कि अभी ये वाले जो ब्लूम है इस पर्टिकुलर वाटर एरिया में कवर अप कर जाएंगे, तो आप इसके लिए सोल्यूशन देख लीजिए। ओके,
यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि जब नाइट्रोजन और फास्फोरस दूसरे केमिकल जो एलिमेंट होते हैं वो वाटर में ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो बैड एयर क्वालिटी हो जाती है वाटर की। ओके, जो कोलेरू लेक है वो एक नेचुरल यूट्रोफिक लेक है। कडला का डाल क्या होता है? वही है ये स्ट्रेल सर जो सिस्टम हमने किया ना, वहाँ केरला के जो फिशरमैन है उसको कला का डाल बोलते हैं। स्वेल वेव्स को ही वो कला का डाल बोलते हैं। इट इज ऑफन ट्रीगर्ड बाय स्टोन्स, स्टोन्स से ये होता है एज फार वे एज द अंटार्कटिक रीजन। अंटार्कटिक रीजन का मतलब है जो सदर्न इंडियन ओशन है, सदर्न इंडियन ओशन से ये इमर्ज होते हैं और वहाँ से ट्रैवल करते करते अपने केरला तक आ जाते हैं और वहाँ पर आके इम्पैक्ट डालते हैं। ओके बताइए, ये पूरा टॉपिक क्लियर है क्या? इन 2012 यूनेस्को ने इस टर्म को यूज करा था फॉर द साइंटिफिक यूज। कला कडाल को यूनेस्को ने फॉर द साइंटिफिक यूज इस वर्ड को यूज करा था। सो ये टॉपिक कला कडाल वाला, स्वेल सर सिस्टम वाला सारा क्लियर है क्या? एल्गल ब्लूम, मरीन ब्लूम भी होती है, वाटर ब्लूम भी होती है, यानी कि ये फ्रेश वाटर में भी होती हैं और जो मरीन वाटर या सलाइन वाटर होता है उसमें भी ये होती हैं। हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स अकर व्हेन कॉलोनीज ऑफ एल्गे ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल एंड दे आर डेंजर फॉर, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो किसके लिए डेंजर होंगी? एक तो वो डेंजरस टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि वाटर में टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से लोग और एनिमल्स वो मर भी जाते हैं या बीमार हो जाते हैं। वाटर में डेड जोन क्रिएट कर देते हैं। रेस ट्रीटमेंट कोर्स फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, हर्ट इंडस्ट्री दैट डिपेंड ऑन क्लीन वाटर फॉर कोरल रीफ और दूसरी जो फिशेज हैं और जो एक्वेटिक पूरा इकोसिस्टम है उसके लिए ये एक डेंजर होती है। यस डन, चलिए। हाँ, इनको इसके बारे में भी देख लो। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। 1999 में ये बना था। ESSO एक इसकी बॉडी है जो कि एज एग्जीक्यूटिव काम करती है फॉर इज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। इट इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल ओशियन इंफॉर्मेशन। ये जो इनकॉइस है वो ओशियन की बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट एजेंसी को, ताकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, रिसर्च वगैरह सब कुछ अच्छे से बनी रहे। ओके चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है C40 क्लीन एयर सिटीज डिक्लेरेशन। क्लीन एयर सिटीज डिक्लेरेशन है जो कि C40 वर्ल्ड मेयर समिट इन कोफेनहेगन यहाँ पर ये हुई थी, यानी कि एयर की क्वालिटी को क्लीन करना है, सिटी की जो एयर होती है उनको क्लीन करना है। ये 3 साल में एक बार होती है, तो रिमेम्बर ये थोड़ी अलग चीज है कि 3 साल में एक बार होती है। ओके एंड इट इज डिजाइन टू इम्प्लीमेंट सब्सटेंटिव क्लीन एयर पॉलिसीज बाय द 2025। इसका उद्देश्य क्या है कि 2025 तक हम अपनी एयर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी कर दें और जो एयर क्वालिटी है उसको रिड्यूस भी, एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव भी कर दें। ओके वंस एवरी 3 ईयर। सो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो है हर साल कंडक्ट करी जाती है, या हाँ मतलब ऐसे आ सकता है कि हर साल होती है, लेकिन 1 out of 3। आप इसको अपने नोटबुक में ऐसे लिख लीजिए कि ये 3 साल में एक बार इसको कंडक्ट करते हैं। है क्या ये डिक्लेरेशन? मेयर्स का मतलब है जो इसके मेंबर होंगे। दे कमिट टू यूजिंग देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। वे लोग ये शपथ लेंगे कि हम एयर पॉल्यूशन को कम करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं, एयर क्वालिटी की जो गाइडलाइंस हैं उनको हम मीट करेंगे, यानी कि उन तक पहुँचेंगे। जो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि भाई इतनी एयर क्वालिटी होनी चाहिए तो इतनी होनी ही चाहिए, उनके गाइडलाइंस को फुलफिल करेंगे। लोकल एमिशंस जो होते हैं उनको रिड्यूस करेंगे। ओके और रिजल्टिंग इन कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन इन एयर पॉल्यूशन लेवल दैट मूव टूवर्ड्स द WHO गाइडलाइंस, यानी कि जो C40 डिक्लारेशन है वो WHO की गाइडलाइंस पे काम करेगा। डन।
बताइए ये वाला क्लियर है। नेक्स्ट है 4s+2.0। 4s+2.0 क्या है ये? यूनाइटेड स्टेट की एक एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, उन दोनों ने मिलकर 4s+2.0 को लॉन्च किया है। ओके, इसमें तीन प्रोजेक्ट इंक्लूड हैं, एक तो है गया इन बिहार, एक है तिरुवनंतपुरम इन केरला, थर्ड है मेडक इन तेलंगाना। Forest+2.0 का मतलब यही है गाइस कि फॉरेस्ट की डेवलपमेंट करना, फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करना, जहाँ पर भी चीज़ें यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्लाइन हो रहा है, वहाँ की कंडीशन को इम्प्रूव करना, यही इसका एक उद्देश्य है। किसने लॉन्च किया है? USAID प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, MoEF, इसको ऐसे नोट डाउन कर लो। ओके, बिहार, उन्होंने तीन एरिया को क्यों चुना है? क्योंकि एक बिहार एक डेफिसिट एरिया है, वहाँ पे फॉरेस्ट कुछ ज़्यादा है नहीं, या है तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तेलंगाना में रहने वाले लोग तो ज़्यादा हैं लेकिन एरिया ड्रायर एरिया है, इसलिए उसको चुना है। केरला की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, रिच बायोडाइवर्सिटी है, दैट्स वाई केरला को भी उन्होंने चूज़ किया है। ओके, 5 ईयर प्रोग्राम है यानी कि 5 साल तक ये चलेगा, जो कि डेवलपिंग टूल्स और टेक्निक्स के पर काम करेगा ताकि हमारे इकोसिस्टम की मैनेजमेंट हो सके, इकोसिस्टम को हम बनाए रखें, इम्प्रूव करें और उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाएं, फॉरेस्ट एरिया को भी ज़्यादा बढ़ाएं। ओके, इकोसिस्टम जो सर्विसेज हैं वो हार्नेस ना हो, खराब ना हो। चलिए, ये वाला क्लियर है, छोटा सा टॉपिक था, बस आपको इसकी जो है मिनिस्ट्री या जिसने भी इसको लॉन्च करा है वो चीज़ याद रखनी है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, TTCI। न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इंडिया ने अपने 6 प्लेस को इम्प्रूव कर लिया है ऑन द वर्ल्ड, 34th रैंक पर अब ये आ गया है। रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसने रिलीज करा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। सो आई थिंक हमने किसी टॉपिक में इसको कवर अप किया हुआ है, हमने इसको ऐसे किया था कि जब टूरिज्म इंक्लू ज़्यादा होगा, टूरिज्म ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे पैसा आएगा कंट्री में, और पैसा आएगा तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, तो इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि इस इंडेक्स को मैं लॉन्च करता हूँ। ओके, आप इसको याद ऐसे कर लेना। इट कवर 140 इकोनॉमीज, मेजर द सेट ऑफ द फैक्टर पॉलिसीज दैट अनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म, यानी कि इस इंडेक्स से हमें पता चलता है कि किस कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर की, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। ओके, इसके बारे में आपको रैंक याद करना है, मिनिस्ट्री याद करनी है और ये इंडेक्स क्या है वो याद करना है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ऑलरेडी काफ़ी स्टेप इसके रिगार्डिंग ले चुके हैं, लाइक स्वदेश भारत दर्शन प्रसाद, ये सारी स्कीम हम कर चुके हैं ना, अडॉप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान वाली जो है, और ये पिलग्रिमेज, रिजुवेनेशन, स्पिरिचुअल हेरिटेज, ये सारे स्टेप जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लिए गए हैं ताकि टूरिज्म जो है इन ज़्यादा हो सके कंट्री में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है दैट एस्टैब्लिश अंडर 2016 एक्ट, ताकि जो हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटीज और स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड, हर गुड की, गुड्स की, सर्विसेज की, सिर्फ गुड्स की स्टैंडर्डाइजेशन हो सके, उनको स्टैंडर्ड दिया जा सके, मार्किंग उनको दी जा सके, तो ये सारी कौन करता है? BIS करता है। ओके, नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पश्मीना प्रोडक्ट रिसीव BIS सर्टिफिकेशन, पश्मीना प्रोडक्ट है उसको BIS का सर्टिफिकेट मिला है। पश्मीना का मतलब होती है कि वूल होती है। ओके, रिसेंटली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इसको एक स्टैंडर्ड मार्किंग दी है फॉर आइडेंटिफिकेशन, मार्किंग एंड लेबलिंग ऑफ पश्मीना प्रोडक्ट टू सर्टिफाइड प्योरिटी।
उन्होंने इस प्रोडक्ट की प्योरिटी को पहचानने के लिए उसको मार्क दे दिया है कि भाई ये BIS है, यानी कि इसको हमने स्टैंडर्ड दे दिया है। ओके, कर रहे हैं अभी निशांत। पश्मीना एक गोट की ब्रीड होती है, गोट की ही वैरायटी होती है, स्पीसीज होती है, जिससे हमें ये वाली वूल मिलती है। ओके जी, द पश्मीना गोट्स ए स्पेशल ब्रीड ऑफ गोट इंडिजीनियस टू द लद्दाख एंड द जम्मू कश्मीर। ये कहाँ पे मिलती है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये मिलती है। इसको छंग टांगी भी बोलते हैं। पश्मीना गोट को छंग तांगी गोट भी बोला जाता है, जिससे हमें पश्मीना वूल मिलती है, जिससे काफी जो पश्मीना शॉल वगैरह बनती हैं, पश्मीना के स्कार्फ वगैरह बनते हैं। ये वाली जो वूल होती है काफी कॉस्टली होती है, और इसका जो फैब्रिक होता है वो काफी अच्छा भी होता है। द नोमैडिक पश्मीना हर्डर जो होते हैं वो इसको चांगपा बोलते हैं। दैट इज लिव इन द होस्टाइल एंड टफ टेरेन ऑफ चांगथांग एंड डिपेंडेंट ऑन पश्मीना फॉर देयर लाइवलीहुड। वे लोग इसी की कमाई पर ही जीवित रहते हैं। चलिए, ये सब अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम करते हैं इसके सर्टिफिकेट मिलने से बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। पहली बात, जैसे GI टैग मिलता है, GI टैग मिलने के बाद क्या क्या होते हैं कि एक तो अडल्ट्रेशन नहीं होती, राइट? मतलब उससे क्या होगा कि जिसके पास वो प्रोडक्ट है उसके पास एक अलग से अधिकार हो जाता है, कोई दूसरा उस प्रोडक्ट को नहीं बना पाता। दैट विल हेल्प इन कर्बिंग द अडल्ट्रेशन। नहीं हो पाएगी। जो नोमैड्स होंगे, जो पश्मीना रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड होगा। कस्टमर को उसकी प्योरिटी का भरोसा रहेगा कि भाई इसको स्टैंडर्ड मिला हुआ है तो प्योर तो ये है ही, जेनुअनली ये मार्केट में बिकेगी। ओके, जो यंगर जनरेशन है वो भी इस बात से मतलब कुछ प्रोत्साहित होंगे कि हमें इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, और दैट विल एनकरेज मोर फैमिली टू टेक अप दिस ऑक्यूपेशन। ये सब चीज़ें हैं जिससे इकोनॉमी वगैरह जो है इंक्रीज होगी। पश्मीना एक गोट की ब्रीड है, दैट इज लिविंग इन द लद्दाख एंड द जम्मू कश्मीर। डोमेस्टिकेटेड है ये, और ये कुछ खास नहीं है बाकी इसके बारे में। इसकी वजह से इकोनॉमी और चांगतांग जो है वो चलती है। चांगतांग एक जगह है, वहाँ की इकोनॉमी चलती है, क्योंकि वो वहाँ के लोग पश्मीना वूल को ही बेचते हैं। ओके, बेस एक है, एक इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है ऑफ इंडियन इंडिया वर्किंग अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके निशांत, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर ये काम करती है, एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, और एस्टैब्लिश बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। इसी के जो मिनिस्टर होते हैं वो ही बिस्कैक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट होते हैं। इसमें 25 मेंबर होते हैं, ड्रोन फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, इंडस्ट्री से, जो उनके मेंबर होते हैं वही बिस के भी मेंबर होते हैं, वो चुने जाते हैं। ओके, सो लिखिए डन, ये वाला टॉपिक क्लियर है आप सबका। तो हमें ये याद रखना है कि पश्मीना जो वूल है उसको ब्यूरो BIS जो है उसको स्टैंडर्ड मिला है, और दैट इज इम्पॉर्टेंट। और ये लद्दाख और आपके जम्मू कश्मीर वाले रीजन में है। ये एक गोट की ब्रीड होती है जहाँ से पश्मीना वूल हमें मिलती है। ओके, नेक्स्ट है नम्मा कोल्हापुरी चप्पल। इसको GI टैग मिला है। नम्मा कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग मिला है। सो गाइस, आइए बताइए, GI टैग से याद आया कि आपने GI टैग वाली क्लास देखी है, क्योंकि अभी हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पैसा इज दैट क्लियर मानसी? बताइए, आप सबने GI टैग वाली क्लास देखी है, क्योंकि एट लास्ट ऑफ द क्लास हम काफी क्वेश्चंस देखेंगे, स्पेशली जो GI टैग से भी होंगे। नमक कोल्हापुरी चप्पल है जिसको GI टैग मिला है। दिस GI टैग हैज बीन ग्रांटेड टू द कोल्हापुरी चप्पल ऑफ महाराष्ट्र।
धारवाड़, बेलगांव, बगालकोट और बीजापुर उत्तर कर्नाटका। महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों ही जगह ये कोल्हापुरी चप्पल बनाई जाती है और इन दोनों जगह की ही चप्पल को स्लीपर को जीआई टैग मिला है। यस रंजीत, अभी क्लास अभी टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। दीज आर इको फ्रेंडली हैंड क्राफ्टेड फुटवियर है। इको फ्रेंडली है, एक तो ये हैंडीक्राफ्टेड का मतलब है कि ये जो है हाथ वगैरह से बनी है फुटवियर है। फेमस फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ, काफ़ी लंबे समय तक भी चलती है और ये मजबूत भी है। इट इज मेड फ्रॉम द प्रोसेस लेदर इन द विलेजेस ऑफ महाराष्ट्र। लेदर की ये चप्पल है जो कि महाराष्ट्र से लेदर आता है और फिर ये चप्पल बनाई जाती है। 20वीं सेंचुरी में छत्रपति शाहू महाराज ने इस चप्पल की स्टार्टिंग की थी। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था, इसके प्रोडक्शन को एनकरेज करा था कि भई आप यहाँ पर ये कोल्हापुरी चप्पल बनाइए और अभी जाकर इसको जीआई टैग मिला है। दीज लेदर चप्पल आर हैंड क्राफ्टेड एंड टैन यूजिंग वेजिटेबल डाइज, यानी कि वेजिटेबल से कलर वगैरह लेके इस को सजाया जाता है, बनाया जाता है। एंड दिस आर्ट इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ओके, एक और जीआई टैग है खोला चिल्ली। फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, गोवा का है ये। इसको हमने ट्रिक में भी इंक्लूड करा था। क्लास में आप देखोगे तो ट्रिक में हमने इसको ऐड किया हुआ है कि गोवा की एक प्रोड्यूस एग्रीकल्चर खोला चिल्ली, उसको जीआई टैग मिला है। ये हिल स्लोप पे होती है। इसकी कुछ खासियत क्या है कि पहाड़ी इलाकों में होती है, ऊंचाई पर होती है। अंडर द रेनफेड कंडीशंस ओनली, रिमेंबर ओनली आ गया यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। लोकल सोयल एंड क्लाइमेट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ दिस चिली वेराइटी विच इज नोन फॉर इट्स ब्रिलियंट रेड कलर एंड द मीडियम पंजेंट टेस्ट, यानी कि काफ़ी तीखी नहीं होती, मीडियम सा टेस्ट इसका रहता है। काफ़ी सुंदर इसका एक रेड कलर होता है। वहाँ की सोयल ऐसी एक अलग सी तरीके की सोयल है और क्लाइमेट है जो इस चिल्ली को, इस मिर्च को एक अलग से यूनिकनेस और एक अलग से इसकी खासियत बना देती है। ओके, जीआई टैग किसी भी एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को मिल सकता है। एक बार अगर जीआई टैग मिल गया तो कोई दूसरा प्रोड्यूसर उसका मिसयूज नहीं कर सकता उसके नाम से। जीआई टैग इज कवर्ड अंडर द आईपीआर, एक तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाती है अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। लिटल बिट मैं ही आपको रिवाइज करवा रही हूँ, इसके बाद आप गलत मत कीजिएगा। इंटरनेशनली अगर लेवल पर देखें तो जीआई इज गवर्न बाय द WTO एग्रीमेंट और ट्रिप्स के द्वारा ये प्रोटेक्टेड है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो इन इंडिया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 गवर्न द जीआई टैग। डन। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं टॉपिक, इनको हम कल कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फोकली इज अ यूनिक सलाइन टॉलरेंट राइस वेराइटी दैट इज कल्टिवेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। फोकली एक यूनिक सलाइन टॉलरेंट राइस वेराइटी है, राइस की एक वेराइटी है, वो किस स्टेट में कल्टिवेट की जाती है? आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, केरला में और कर्नाटका में। सो आंसर इट। फोकली राइस की एक वैरायटी है दैट इज कल्टीवेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यू ऑल मस्ट आंसर इट। आप सब आंसर कीजिए। ओके, हेलो पूजा, इज इट योर फर्स्ट क्लास?
आप सबने सी बोला है तो कैसे सी गलत हो सकता है? नहीं, राहुल कर्नाटका नहीं है, केरला है। पोकली एक यूनिक सेलाइन टॉलरेंट राइस वैरायटी है दैट इज कल्टीवेटेड इन द वाटर लॉक्ड कोस्टल रीजन इन थिरुसूर, एर्नाकुलम, एलपूजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला। ये इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये ज़्यादातर कल्टीवेट होती है और वाटर लॉक कोस्टल रीजन यानी कि कोस्टल वाले रीजन पर ही ये होती है। इन विच इंडियन स्टेट फैनी स्पिरिट प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली, फैनी स्पिरिट है मतलब दैट इज प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली का मतलब है अबेंडेंस में वो प्रोड्यूस की जाती है। ओके सो अरुणाचल में, गोवा में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में। सो आंसर इट। सो पूजा मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो क्लास है हमारी 1 PM, इसमें हम लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर कर रहे हैं। आज ये 13 लेसन है, ऑलरेडी 12 लेसन कवर अप हो चुके हैं, राइट। सो पहले हम टॉपिक्स देखते हैं लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर के, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और उससे पता भी चल जाए कि हाउ यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन। चलिए पूजा, आप इसी साल अटेम्प्ट दे रहे हो क्या? बी। ओके सब रिप्लाई करो। तपस्या, राहुल आंसर इट। चलो फैनी बी राइट आंसर है गाइस। फैनी को फैनिन या फैनो या फैनी भी बोला जाता है। एक स्पिरिट है प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली इन द गोवा एंड अदर्स अदर सदर्न इंडियन स्टेट। कुछ ही दूसरे जो सदर्न इंडियन स्टेट हैं वहां पर ये होती है। ओके नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आरबीआई परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर इट्स ओपन मार्केट ऑपरेशन टू रिड्यूस एक्सेस लिक्विडिटी इन द सिस्टम। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर रिस्क फ्री गिल्ड एज इंस्ट्रूमेंट, दीज आर इशूड बाय बोथ द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। विच ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? सो यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। वन ओनली, थ्री ओनली, टू एंड थ्री ओनली, ये क्या है? नीचे है ऑल द अबव। ये है डी।